श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 23 जनवरी शुक्ल पक्ष चल रहा है, सोमवार का दिन है और माघ का शुभ महीना चल रहा है। इस महीने में अगर आप आपकी कोई विशेष कामना है, कोई मनोकामना है, कोई आपका काम है जो बन नहीं रहा, या आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे आप बहुत ही जल्दी पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो धन की कामना है, व्यापार की कामना है, नौकरी की कामना है, शादी की कामना है, या कोई भी और विशेष कामना है, तो इस महीने में अगर इस उपाय को आप करेंगे पूरी श्रद्धा भावना के साथ, केवल 108 अक्षत के दानों के साथ ये उपाय करना है, केवल 3 महीने लगेंगे, आपकी जो भी कामना होगी भोलेनाथ शीघ्र पूरी कर देंगे। तो उपाय को अच्छे से समझिएगा और सोमवार के दिन इस उपाय को अवश्य करिएगा और इसका लाभ हासिल करिएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा। उपाय करने के लिए हमने क्या लेने हैं? हमने लेने हैं अक्षत। अक्षत मतलब चावल, चावल मतलब जो पूर्ण चावल होता है, टूटा हुआ चावल कभी भी पूजा में नहीं यूज करना चाहिए। खास करके जो हम भोलेनाथ पे चावल समर्पित करते हैं, अक्षत समर्पित करते हैं, वो पूर्ण होने चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कितने दाने लेने हैं हमने? 108। अब ध्यान रखिएगा, गिनकर 108 दाने आपने ले लेने हैं। उसके साथ आपके पास कोई भी चंदन हो, चंदन जो है लाल चंदन आता है, पीला चंदन आता है या सफेद चंदन आता है, आप जो भी रोज पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही चंदन आपने ले लेना है। तीनों में से जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए, अगर नया लेना है तो कोई भी चंदन आप तीनों में से ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो 108 चावल के दाने हैं, जो अक्षत है, वो अपने हाथ की हथेली में, यानी अपने राइट हैंड में, जो आपका जो है सीधा हाथ है, वहां पर आपने हथेली में 108 चावल के दाने रखने हैं और जाना है भोले बाबा के मंदिर में। सोमवार के दिन सुबह के समय भी ये उपाय कर सकते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो चंदन लेकर गए हैं वो आपने भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपने चंदन जो है वो लगाना है। अब लगाते जैसे भी आप समर्पित करते हैं वैसे आप करिएगा, यानी कि इस जगह पर आपको चंदन लगाना है। चाहे तो आप ऐसे ही लगा दीजिए अपने हाथ से, या फिर त्रिपुंड बना सकते हैं तो त्रिपुंड भी बना सकते हैं अपनी 3 उंगलियों के साथ। यानी चंदन को थोड़ा सा आपने जल डालकर गीला कर लेना है, उसके बाद आपने ये चंदन लगाना है। फिर आपने क्या करना है, जो अपने राइट हैंड में आपने चावल रखे हैं, जो आपने अक्षत रखे हैं, वो ऐसे ही आपने अपने हाथ की हथेली को, पूरा जो चावल है एक साथ आपने अपने हाथ की हथेली शिवलिंग के ऊपर जहां पर चंदन लगाया है, वो पूरे के पूरे चावल आपने अपने हाथ के साथ वहां पर चिपका देने हैं। यानी पूरे चावल एक साथ में ही आपने शिवलिंग के ऊपर लगा देने हैं। जब आप लगाएंगे उस समय अपनी कामना करेंगे, जो भी आपके मन की कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, भोलेनाथ से कहेंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर आपने भोले बाबा से प्रार्थना करनी है। केवल इतना सा उपाय अगर आप सोमवार के दिन प्रदोष काल में कर लेंगे तो भोले बाबा बहुत ही शीघ्र आपकी जो भी विशेष कामना है वो पूर्ण करेंगे। तो सरल सा उपाय है, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष का सोमवार है, अवश्य इस उपाय को करें और इसका लाभ हासिल करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।